तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग हमको मिल रही है वो ये है, और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको बताएंगे कि ब्रेकिंग क्या आ रही है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो दरअसल उत्तराखंड से आ रही है, देहरादून से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि देहरादून से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीएम धामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सीएम धामी ने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन पहुंच गए हैं। सीएम ने इस्तीफा दिया है तो राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया है। देहरादून से ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इससे पहले कल जब चुनाव के नतीजे आए थे, परिणाम आए थे, तब उत्तराखंड में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट को बचाने में नाकाम रहे थे। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि दो ही तरीके होते हैं, दो ही ऑप्शंस बचते हैं। जब खुद मुख्यमंत्री अगर चुनाव इस तरीके से हार जाते हैं तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो MLC के जरिए वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने और फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर ज्वाइन करें, लेकिन उसके लिए भी एक 6 महीने का समय होता है जो निर्धारित होता है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहा हूं वो ये है कि देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो राजभवन पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि पिछले टर्म में जो पिछला कार्यकाल था उत्तराखंड में बीजेपी का, उसमें लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, और ऐसे में जो आखिरी मुख्यमंत्री बीते कार्यकाल के बीजेपी के रहे वो थे पुष्कर सिंह धामी। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे पिछले कार्यकाल में, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत को भी बदलकर मुख्यमंत्री बनाया गया था पुष्कर सिंह धामी को, और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। और आपको बता दें कि ऐसे में आज इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट को बचाने में नाकाम रहे और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर थी जहां पर वो राजभवन में इस्तीफा सौंपते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, नजर आ रहे थे। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया, ये उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सीधे हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड से सुभाष गौड़ हमारे साथ हैं स्क्रीन पर। तो सुभाष गौड़ जी, कल अपनी सीट को बचाने में नाकाम रहे, एक तरफ जहां पार्टी कार्यालयों में हलचल थी, रौनक थी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ही अपनी सीट को नहीं बचा पाए, इसको लेकर तमाम जगह चर्चा थी कि अब कौन सा रास्ता निकाला जाएगा, क्या होगा, और कई कयास भी जो है वो लगाए जा रहे थे। उत्तराखंड देवभूमि से लगातार इस तरीके की सियासत, जो अटकलबाजियां हैं वो भी जोर हो गई हैं, तेजी पकड़ रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने जो इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे पुष्कर सुभाष गौड़ साहब? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राजभवन पहुंच के उत्तराखंड के राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो कैबिनेट है वो भी पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है भंग हो चुकी है। लेकिन क्योंकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक कार्यवाही मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रदेश का काम संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल नतीजे आए और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के लिए नजर आए और तमाम जो विधायक है वो जीत बीजेपी के नजर आए, लेकिन खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट को नहीं जीत पाए और अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए। तो उसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि यदि पुष्कर सिंह धामी सरकार बनाएंगे तो, लेकिन उनका जो ये कहा जाता कि खटीमा सीट से चुनाव हारने के चलते अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी तक अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा, इस पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि दो पर्यवेक्षक उत्तराखंड चुनाव के बाद ये बनाए गए हैं जो डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किसका वो कौन सा वो चेहरा होगा जिस चेहरे पर सभी विधायकगण अपनी सहमति जताएंगे और उसके बाद वो अगला मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब नए चेहरे का इंतजार उत्तराखंड में किया जा रहा है कि वो कौन सा चेहरा होगा जो उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। जी बिल्कुल, कौन कौन से वो चेहरे होंगे उनके नामों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुभाष ये और जानना चाहेंगे कि राज्यपाल ने इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है, मतलब ये जो पूरा प्रोसीजर है इस्तीफा देने का ये कंप्लीट हो चुका है, या फिर राज्यपाल ने ऐसा कुछ कहा है कि अभी थोड़ा ठहरिए, रुकिए, होल्ड पे किया है?
नहीं, इस्तीफा की प्रक्रिया जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री जो भी होते हैं वो इस्तीफा जरूर देते हैं। नहीं, पंजाब में जैसे कि सुभाष जी, पंजाब में क्या किया गया? पंजाब में राज्यपाल ने कहा कि नहीं, आप होल्ड करिए, जब तक दूसरी सरकार बन जाती है या फिर नामों की चर्चा पूरी हो जाती है तब इस्तीफा जो आपका स्वीकार किया जाएगा। तो उत्तराखंड में ऐसा तो कुछ नहीं? बिल्कुल, ये सभी जगह ऐसे ही होता है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन राज्यपाल के तौर से ही कहा जाता है कि कार्यवाही मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रदेश का कार्य संभालेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है। ये केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि तमाम सभी राज्यों में ऐसे ही होता है। जैसे कि आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ भी कार्यवाही सीएम के तौर पर वो अपना काम संभालेंगे जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है। वैसे ही उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें कार्यवाही मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करने के लिए कहा गया जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता। जैसे ही नई सरकार का गठन होगा उसके बाद उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि किस चेहरे पर बीजेपी भरोसा जताएगी, वो उसके बाद ही अगला मुख्यमंत्री की जो शपथ है या फिर कहा जा सकता है कि प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को कौन संभालता है। ठीक है, बिल्कुल, और नए नामों पर भी विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं सुभाष की, एक तरफ उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो 1,02,000 वोटों से जीतते हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी ही सीट को नहीं बचा पाते, तो ये क्या है सर, इतना पॉलिटिकल जो डिफरेंस है विद इन दो स्टेट्स में, जबकि दूसरा स्टेट तो एक ही स्टेट से निकल कर बना है, तब भी इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है कि मुख्यमंत्री खुद की सीट रिटेन ना कर पाए? जी बिल्कुल, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि कैबिनेट के एक और मंत्री हैं हरिद्वार ग्रामीण से यतीश शरणन, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और उस सीट पर हरीश रावत की जो पुत्री है वो जीती है कांग्रेस की ओर से। तो ये कहा जा सकता है कि शायद प्रदेश में जरूर वो बड़े नेता हैं लेकिन अपनी विधानसभा में शायद उनकी विधानसभा का उन पर भरोसा नहीं था और यही वजह हो सकती है कि वो अपना चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं क्योंकि डैमेज बहुत पार्टी में था और डैमेज कंट्रोल करते हुए वो पार्टी को मजबूती के तौर से उन्होंने चुनाव लड़ाई, इस वजह से शायद वो अपनी विधानसभा पर खास ध्यान नहीं दे पाए और यही कारण है कि वो उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही चुनाव नहीं हारे बल्कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे हरीश रावत, वो 14,000 वोटों से अपना चुनाव हारे। तो कहा जा सकता है कि जरूर कुछ कमियां जरूर रही होंगी जिसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी को अपना ये विधानसभा का चुनाव खटीमा से हारना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी उनको जो भी कार्य देगी कार्यकर्ता के तौर पर वो उसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। जी देखो सुभाष जी, देखिए क्या है कि राजनीति में कामकाज पर बात होती है, चर्चा होती है, मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, चर्चा होती है, लेकिन चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बड़े चेहरों पर तो हमेशा दाव लगा रहता है। लेकिन जहां एक तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी एक ऐसा चेहरा बने हुए हैं जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि जहां भी जाते हैं माहौल बदलने की आज भी शक्ति और ताकत रखते हैं, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अमूमन जो बड़े चेहरे हैं वो बड़े मार्जिन के साथ और बड़े वोटों के साथ जीते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि पुष्कर सिंह धामी भी अपनी सीट को रिटेन ना कर पाए और अभी आपने हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और 14,000 इतना बड़ा अंतर इससे हार गए। तो ये चीज और सुभाष गौड़ थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तराखंड में जो जनता है, आम जनता है, वो क्या चेहरों पर अब ज्यादा उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है वो अपना चुनाव जरूर हारता है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में इस बार कई ऐसे मिथक भी टूटे हैं जो पिछले लंबे समय से बरकरार थे, यानी कि जो कहा जा सकता है जिन मिथकों के भरोसे देखा जाता था कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी और अंदेशा पहले ही लगा लिया जाता था, तो सभी मिथक टूटे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो कभी अपना चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार अरविंद पांडे गदरपुर से अपना चुनाव जीते हैं और शिक्षा मंत्री थे। इसके साथ ही रानीखेत विधानसभा सीट वो सीट है जिस सीट से कहा जाता था कि जो विधायक जीत के आएगा, जिस पार्टी का विधायक जीत कर आएगा वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री आज तक नहीं जीते थे, लेकिन अब ये भी वहां पर एक इतिहास हो गया। ऐसे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी तिलक चावला जी जुड़ गए हमारे साथ। तिलक चावला जी, अब हम इसी चीज पर चर्चा कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी ने जो तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन और भी अब नाम है, कयास लगाए जा रहे हैं कि किस नाम पर अब मुख्यमंत्री का जो ताज है, जो डेजिग्नेशन है वो सजाई जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज जो भी एक्टिविटीज हुई है पॉलिटिकल उत्तराखंड में उसको लेकर सर आपका क्या कहना है? देखिए काविंद्र, अगर उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से देखें और समझे तो अभी बीजेपी के पास जो तीन फॉर्मूले दिखाई देते हैं जिस आधार पर वो मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन करें,
सबसे पहला फॉर्मूला क्योंकि संवैधानिक लिहाज से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना बहुत जरूरी था और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे जिम्मेदारी सौंपना एक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया अब शुरू होती है वो प्रक्रिया ये शुरू होती है कि विधायक अपने विधायक दल का नेता का चयन करें, और होता यह है कि अधिकतर जो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का चयन तो करते हैं लेकिन अधिकार जो है वो आला कमान को सौंप दिया जाता है, यानी कि आला कमान तय करता है कि आपको सर्वसहमति से आखिर किसे चला चुनना है और फिर उस पर विधायक अपनी रजामंदी देते हैं। उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में यही हालात है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सामने तीन विकल्प खुले हैं, तीन फॉर्मूले जिसके आधार पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चयन करें। सबसे पहला फॉर्मूला ये कि वो पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बना रखे और इसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने के कार्यकाल के भीतर उन्हें एक उपचुनाव लड़ना होगा और उपचुनाव जीतने के बाद वो विधायक बनेंगे, विधायक के रूप में जो है वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, पहला विकल्प ये। लेकिन ऐसे में सवाल ये पेच खड़ा होता है कि उनके लिए विधायकी छोड़ेगा कौन, कौन से ऐसे विधायक हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए विधायकी छोड़ेंगे। ऐसे में विकल्प एक ये खुला है कि जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के वो या फिर कोई निर्दलीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के लिए त्याग करे, तपस्या करे और फिर उसके बाद उन्हें विधायकी सौंप दे। ऐसा हो चुका है उत्तराखंड की सियासत में, क्योंकि विजय बोकना जब मुख्यमंत्री बने थे तब उस वक्त वो राज्य लोकसभा के सांसद थे, तब उस वक्त उनको भी विधायक बनकर ही सदन के भीतर पहुंचना था। ऐसे में सितारगंज उन्होंने चुना था और किरण मंडल उस वक्त विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, और उन्होंने उसको तोड़कर जो है बकायदा विधायकी का चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ने के बाद वो फिर विधायक बने। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि दूसरा विकल्प बीजेपी के पास क्या है। दूसरा विकल्प बीजेपी के पास ये है कि वो विधायकों में से ही किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री का ताज सौंप दे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि विधायकों की फौज के भीतर ऐसा कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी विधायक विश्वास कर ले, क्योंकि याद होगा आपको कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का ताज इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि तमाम विधायक दिल्ली में डेरा जमा चुके थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसी स्थिति में सर्वमान्य चेहरा तलाशना पूर्ण बहुमत के बावजूद बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, और चर्चाएं इस बात की भी है कि इस चेहरों की फौज में एक चेहरा भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी है, उनके नाम पर चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि महिला चेहरा होने के नाते उनके पास एक मजबूत आधार है, और दूसरा एक मजबूत आधार जो कि भुवन चंद खंडूरी की जो स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है, उसके साथ साथ उनका संपर्क सीधा दिल्ली में है, दिल्ली के एक बड़े राजनीतिक गलियारे नहीं आधिकारिक गलियारे में एक बड़ा चेहरा उनका वहां पे मौजूद है जो कि उनके पैरवी भी कर रहा है, जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरा विकल्प बीजेपी के पास ये खुला है कि वो किसी एक सांसद को बतौर मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ पर भेज दे, लेकिन वो चेहरा कौन होगा। सबसे पहला चेहरा जिनका नाम सामने आता है अजय भट्ट का, अजय भट्ट जो कि नैनीताल से सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्हें संगठन का भी तजुर्बा है, मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और विधायकों के साथ उनका तालमेल भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर रिस्क और भी है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। मगर दूसरा फैक्टर, दूसरा कौन सा चेहरा हो सकता है जो सांसद के तौर पर मुख्यमंत्री की बाजी मार सकता है, वो दूसरा चेहरा हो सकता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का, जो कि हरिद्वार से सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और विधायकों को कैसे खुश रखना है निशंक से बेहतर कोई नहीं जानता, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड की सियासत में कि उन्हें संकट मोचक भी माना जाता है। तीसरा विकल्प और सबसे मजबूत विकल्प अनिल बलूनी, जो कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री माना जाता है, इन दोनों के करीबी है, और अनिल बलूनी ऐसी शख्सियत है उत्तराखंड की सियासत में कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, दिल्ली अगर मुख्यमंत्री पहुंचता है तो सबसे पहले अनिल बलूनी की आवाज पर पहुंचता है, इससे उनके राजनीतिक कद का एहसास हो सकता है। ये तीन विकल्प बतौर सांसद के रूप में बीजेपी के पास मौजूद है, लेकिन तीनों विकल्पों के इधर एक हकीकत ये भी है कि अगर सांसद के तौर पर किसी एक चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी भेजती है, फिर यहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है कि आपको दो उपचुनाव करवाने, एक उपचुनाव जो कि सीट खाली होगी वहां पर बतौर विधायक चुनाव लड़ना होगा किसी एक सांसद को, और दूसरा चुनाव ये कि जब लोकसभा की सीट छोड़ेंगे तो आपको एक चुनाव और करवाना होगा, यानी कि बीजेपी ये रिस्क ले इसके आसार बहुत कम है। ऐसे में अनिल बलूनी भी अपनी दावेदारी ठोक रही है क्योंकि राज्यसभा के तौर पर वो सांसद है और ऐसे में एक मजबूत आधार भी वो रखते हैं, जरूर है बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी फिर से पुष्कर सिंह धामी पर दाव लगा सकते। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी पर दाव लगाया जाएगा और उसके आपने कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं उसको बड़ा क्लैरिटी के साथ आपने समझाया। तिलक जी आप बने रहिएगा, सुभाष गौड़ साहब भी हमारे साथ हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बाइट है वो सुनवाते हैं, जरा ऑडियो बाइट। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि
मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था, उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया, और जिस जो काम मुझे दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है, इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। तो इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन रहे थे स्क्रीन पर। और लगातार हमारे साथ हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड से सुभाष गौड़ साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे तिलक चावला जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बने हुए हैं, और बड़ी क्लैरिटी के साथ अभी समझा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो बीजेपी के पास हैं, किस किस नाम पर जो चर्चाएं हैं वो गर्म है, माहौल गर्म है, कौन सा नया चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री सीएम फेस हो सकता है। लेकिन ऐसे में तिलक जी, हम लगातार एक बात कर रहे थे, एक चर्चा कर रहे थे हम और सुभाष भी, कि बड़े चेहरों की जब बात होती है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की सीट से जो लड़ रहे थे, जो मुख्यमंत्री है हमारे योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश में, वो 1,02,000 वोटों से जीतते हैं, बम्पर वोटों से जीतते हैं। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड में जो सीएम का फेस है, जो सीएम का फेस ही थे लगभग तब तक, और उससे पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपनी सीट को रिटेन नहीं कर पाते। तो बड़े चेहरों पर उत्तराखंड की जनता क्या पूरी तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि टोटल सपोर्ट में आ जाती है, लेकिन बड़े चेहरों पर उत्तराखंड में ऐसा नहीं है क्या, क्योंकि हरीश रावत साहब बिहार के। बिल्कुल काविंद, अगर उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से देखें और उत्तराखंड के सियासत के इतिहास के पन्नों को पलटे, तो सबसे दिलचस्प नाम अगर किसी का आता है तो सबसे पहला नाम आता है भूपेंद्र खट्टी का। बीजेपी के भीतर यही परिस्थितियां, यही हालात थे, और 2012 का वक्त और लम्हा था जब खंडूरी है जरूरी का नारा देकर बीजेपी ने उन्हें चुनावी रण में उतारा। वो बीजेपी को मझधार से निकाल कर चुनाव जितवाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए थे। ऐसे में 31-32 का फेर था, और बतौर विधायकों की फौज के भीतर एक चेहरा कांग्रेस को चुनना था, और कांग्रेस ने विजय बोगड़ा को मौका दे दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, चाहे भूमचंद खंडूरी हो, फिर खंडूरी के बाद एक और लम्हा देखने को मिला था जब उपचुनाव के ऐसे हालात हुए थे, तब जो है विजय बोगड़ा जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे उपचुनाव जो पितारगंज में हुआ था 2013 में जुलाई में। उसके बाद एक वक्त और एक लम्हा आता है जब बतौर मुख्यमंत्री रण में हरीश रावत जाते हैं और दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, खंडवा ग्रामीण से और दूसरा किच्छा से, दोनों सीटों पर वो मात खा लेते हैं। और फिर उसके बाद एक लम्हा 2022 का आता है जब हरीश रावत जो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा थे, बतौर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को अपने आप को प्रेजेंट किया था, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए नासिर तालकुआ से। और बल्कि इसका असर एक और दिखाई दिया कि पुष्कर सिंह धामी जो चेहरा थे बीजेपी का, वो खुद खटीमा से चुनाव हार गए भुवन काफड़ी से। ऐसे में उत्तराखंड की सियासत के इतिहास में कोई भी दावा यह नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा नेता है तो वो चुनाव नहीं हारेगा। कई धुरंधर जो है वो चुनावी पिच पर मात खा चुके हैं, जहां तक उत्तराखंड की सियासत के इतिहास से कई धुरंधर ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने की चाहत वाले हुए थे, वो चुनाव हारे और वो जहां तक मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाए। और ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नहीं गारंटी दी जा सकती कि आप इतने वोटों के मार्जन से जीतेंगे। यहाँ तो दो दो वोट से भी चुनाव जीतने वाले ऐसे चेहरे हैं। सुभाष अगर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तो वो बता देंगे आपको कि उत्तराखंड की सियासत के लिहाज में जो कई विधायक ऐसे हैं जो चार चार वोट से जीत के आए हैं, और दूसरी तरफ वो मैं बड़े चेहरों का जिक्र कर रहा हूँ, ये छोटे चेहरे नहीं थे जो चार वोट से जीत के आए। और दूसरा एक खास दिलचस्प इस बार चुनाव में देखने को मिला कि धन सिंह रावत, जिनका जिक्र यहाँ पर जोड़ते हुए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका चेहरा भी देश में बताया जा रहा है विधायकों में सड़क का चयन करना। तो धन सिंह रावत एक चेहरा ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और धन सिंह रावत ने गणेश गुदियाल को चुनाव हराया और महज शायद 300 या 400 वोटों से चुनाव हराया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर राजनीति स्थिर है, राजनीतिक लिहाज से बड़े चेहरे चुनावी पिच पर अक्सर मात खाते हैं, और उनमें से धामी ने भी यही चोट खाई। बिल्कुल, और सुभाष जी भी इसमें एड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले तिलक जी एक और चीज़ जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स उसको पी से लेकर ऐसे समझते हैं बड़ी करीब से, ऐसे में आप अगर एडवाइस के तौर पर अगर आप समझे कि क्या ठीक हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के जब लोगों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। लेकिन ये बीजेपी के पास एक तरीके से सुनहरा मौका है कि बीजेपी थी और बीजेपी फिर रिपीट कर रही है, तो ऐसे में वो अपना जनाधार और ज़्यादा बढ़ा सकती है और कांग्रेस को धीरे धीरे सिमटा भी सकती है। तो ऐसे में अब बीजेपी को क्या स्टैंड देना चाहिए, अगर आप सीएम फेस की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में रह सकता है, कौन सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा सर यहाँ पर? अगर बीजेपी कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहती, और बीजेपी अगर ये सोच चुकी है 5 साल तक हमें मुख्यमंत्री के तौर पर किसी एक चेहरे को कंटिन्यू रखना है, तो फिर उस लिहाज से पुष्कर सिंह धामी से बेहतर चेहरा नहीं हो सकता। इसके कई आधार है। आधार ये सबसे पहला कि धामी ने जिस तरह से विधायक के रूप में काम किया और विधायक
के बाद मंत्री ना रहते हुए सीधा मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और ऐसे मौके पर संभाला जिस वक्त बीजेपी की हार निश्चित मारी जा रही थी और धामी ने ना सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया बल्कि जो विधायकों को साधने की क्षमता उनमें दिखाई दी, क्योंकि माना जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, कभी मंत्रालय का कोई तजुर्बा नहीं रहा उनके पास, लेकिन जिस अंदाज में और जिस लहजे से उन्होंने इस पूरी सियासी बल्लेबाजी को खेला उसमें उन्हें अव्वल 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, क्योंकि धामी के आधार पर ही बीजेपी चुनावी पिच में उतरी। भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी लहर चली हो उत्तराखंड में, लेकिन धामी की क्षमता को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि अगर धामी की जगह किसी और चेहरे पर विश्वास किया जाए तो फिर बीजेपी के सामने वही चुनौती होगी, विधायकों की नाराजगी। और विधायक अगर धामी से खुश है और धामी के चेहरे पर आगे विकास के लिए, एजेंडे के लिए, उत्तराखंड के लिए खड़े होने का दावा कर रहे हैं तो फिर ये बीजेपी के लिए दुख चैन होगा और उत्तराखंड के लिहाज से वो भी तब राज्य के भीतर 3 मुख्यमंत्री आपने दिए और पहले भी आपने दिए, तो यानी कि सीधे तौर पर धामी सबसे फेवरेट चेहरा हो सकते हैं और बीजेपी इस विकल्प को लगातार सोच रही है कि किसी भी हाल में धामी को ही कंटिन्यू कर लिया जाए। क्योंकि अब तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि एक संदेश और संकेत पहले ही बीजेपी दे चुकी थी, माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमिटमेंट के आधार पर काम करते हैं और कमिटमेंट अगर दे दिया तो फिर उसके पीछे हटना बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और इसी आधार पर, क्योंकि बीजेपी ये चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया कि मैं इस शख्स को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, अगर वो हार गए और देश के भीतर एक संकेत देना है कि देखिए मैंने कमिटमेंट किया था और उसके बावजूद मैंने जो है पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया, ये 3 आधार हो सकते हैं जिस आधार पर पुष्कर सिंह धामी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी चीज पर ये जो बातचीत चल रही है इसी पर सुभाष गौड़ साहब से भी बात करेंगे, लेकिन सुभाष गौड़ साहब हमारे साथ नहीं रहे, वो डिस्कनेक्ट हो गया है, उनका नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन तिलक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो तिलक जी, हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं इसी चर्चा पर थोड़ा सा और मोरओवर करके आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ और समझना चाहेंगे कि हरीश रावत की हार और इतनी बड़े मार्जिन से हार, इसके क्या मायने हैं, इसको अगर आप समझाना चाहें तो उत्तराखंड के दर्शक इसको बड़ा समझना चाहेंगे कि हरीश रावत इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, और कांग्रेस की, मैं आपको कहूं कि कांग्रेस का अगर उनको पोस्टर बॉय कहा जाए पॉलिटिक्स का उत्तराखंड में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हरीश रावत भी हारते हैं तो भविष्य क्या आप देख रहे हैं कांग्रेस का? अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें और समझें तो कावेंद्र यहां पर सवाल बड़ा दिलचस्प इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि हरीश रावत भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ऐलान केंद्रीय आलाकमान ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद अपना औपचारिक ऐलान करते हुए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं रोज एक ऐलान कि मैं इस योजना को शुरू करूंगा या ये फैसला लूंगा, तो और भले ही वो चुनाव हार गए हो लेकिन उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस के भीतर हरीश रावत से बड़ा चेहरा नहीं है, ये बात कांग्रेसी भी मानते हैं, लेकिन हरीश रावत के नाम हार का रिकॉर्ड जो है वो लगातार एक बार फिर से बढ़ गया, क्योंकि ना सिर्फ विधानसभा के भीतर लोकसभा में इतिहास गवाह है कि बच्चे सिंह रावत हुआ करते थे बीजेपी के सबसे दुरंधर चेहरों में से एक, वो सांसद के रूप में जब भी चुनाव होता था तो हरीश रावत को चुनावी रण में टक्कर नहीं दे देते, और फिर उसके बाद हरीश रावत का बतौर विधायक के रूप में या फिर सरकार के भीतर एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती थी, वो भी तब जब तिवारी शासनकाल हुआ करता था, यानी कि एक युग के तौर पर माना जा रहा था कि हरीश रावत का ये आखिरी चुनाव होगा और आखिरी चुनाव होने के नाते हरीश रावत शायद जो है वो लाल कुआं की सीट जीत जाए, क्योंकि लाल कुआं में हम भी पहुंचे थे और सुभाष मेरे साथ वहां पे मौजूद थे, लाल कुआं की जो गणित है उससे समझ पाना बेहद मुश्किल था। हरीश रावत ने लाल कुआं सीट का चयन क्यों किया, ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर उन्हें मालूम था कि यहाँ पर हार सुनिश्चित है, उसके बावजूद भी अगर वो सीट का चयन कर लेते हैं या फिर भीतर घात हुआ, ये अपने आप में एक अहम सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब हरीश रावत हो सकता है कि कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद और आज ही या फिर कल एक औपचारिक ऐलान करें कि इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद स्वयं कबूल करता हूं, 2017 में जैसे मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो मैं उस हार का जिम्मेदार था और 2022 में मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो मैं इस हार का जिम्मेदार हूँ, लेकिन इस हार की एक चोट जो है ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि हरीश रावत के राजनीतिक कद और कैरियर पर सीधे तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि अब दिल्ली आलाकमान हरीश रावत पर भविष्य में विश्वास कर पाए और उत्तराखंड के लिहाज से ये बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि कई बड़े फैसले हरीश रावत के ऊपर छोड़ दिए गए थे,
ना सिर्फ हरीश रावत के ऊपर छोड़े गए थे, बल्कि ये फैसला कि आपको किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। कांग्रेस के भीतर एक तिहाई ऐसे टिकट थे जो हरीश रावत की पसंद के माने जा रहे थे, और हरीश रावत ने जिन चेहरों को टिकट थमाया वो चुनावी रण में ना सिर्फ हार मान गए बल्कि उनके जो पसंद के प्रदेश अध्यक्ष के पसंद का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गणेश गोदियाल जो है जो की प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के हैं वो खुद चुनाव हार गए धन सिंह रावत से। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हरीश रावत का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में दिखाई दे रहा है। और अब बाला कमान एक राजनीतिक लिहाज से भी और भविष्य के लिहाज से भी, क्योंकि बैंक स्ट्रेंथ जो है कांग्रेस के पास मजबूत नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास सिवाय प्रीतम सिंह को छोड़कर। अब प्रीतम सिंह जो है भविष्य के राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस के लिए कितना मुफीद साबित होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि हरीश रावत की हार जो है ये एक बड़ी हार के रूप में है, क्योंकि ये 2017 नहीं है, ये 2022 है। बहुत बड़ा मौका था हरीश रावत के पास अपने लिए सेफ सीट को चुन लेना, और हरीश रावत 5 सालों में एक सेफ सीट नहीं पाया। बिल्कुल, और ये यही चीज हम कह रहे थे, बिल्कुल दिलक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ ठीक है, तो यही चीज हम कह रहे थे कि आपने जैसा कि बताया कि सीएम फेस नहीं थे लेकिन फिर भी कैंपेन को लीड कर रहे थे और खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि कैंपेन को मैं ही लीड कर रहा हूं, और ऐसे में अगर हार हुई है तो उसमें पार्टी वर्कर्स जो है उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी सुभाष गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष जी हम इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि तिलक जी हमारे बता रहे थे अभी कि रितु खंडूरी, अजय भट्ट साहब, रमेश पोखरियाल साहब, अनिल बलूनी साहब, ये वो नाम है जो बन सकते हैं, जिनके ऊपर कयास अभी लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर चर्चा हो रही है उत्तराखंड में तमाम जगहों पर कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि आप क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं ऑन ग्राउंड से, आप सब चीज़ों को देखते हैं समझते हैं, तो ये चीज़ आप भी बड़ा मकबूल लेवल से समझते होंगे कि कौन सा ऐसा फेस हो जो अब बीजेपी उत्तराखंड में उतारे, बीजेपी को उत्तराखंड में जिसको सीएम बनाए, कि जिसके जरिए आप इसको समझिए कि उत्तराखंड के लोगों के जहन में एक बात है कि एक बार कांग्रेस को आना है, एक बार बीजेपी को आना है, कांग्रेस को आना है, बीजेपी को आना है, अल्टरनेट चलना है, लेकिन बीजेपी के पास ये बड़ा मौका है कि वो उत्तराखंड में अपना विस्तार करे, जनाधार बढ़ाए और पूरे उत्तराखंड में एक बीजेपी बीजेपी कर दे। तो इसके लिए वो कौन सा सीएम का चेहरा हो सकता है जो सबसे सूटेबल है आपकी नज़र में, आप जितना सियासत को वहां से जमीन से परखते और समझते हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है, लेकिन खुद जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी वो अपनी ही विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, और इसके बाद ये भी कहा जा सकता है यानी कि ये बातें भी निकल कर आ रही है कि शायद उनको एक बार फिर मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपने 2 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है उत्तराखंड को इस पूरी कमान को संभालने के लिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए कि आखिरकार किस पर दाव खेला जा सकता है, कौन ऐसा चेहरा है जिस चेहरे को लेकर सभी विधायक एकजुट होकर हामी भरे और जो विधानमंडल की जो बैठक है उस बैठक में उसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना किया जाए। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन क्योंकि कई समीकरण बिठाने की कोशिश करते हैं और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर ये कहना असंभव है कि जो बड़ा चेहरा है, जो सीनियर लीडर है, उसी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता उत्तराखंड में, बल्कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी उत्तराखंड में है जो कि ऐसा व्यक्ति ढूंढती है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसी पर भी दाव खेल सकती है जिस पर विधायकों की सहमति बन जाए और विधायक उसको लेकर नाराजगी अपनी व्यर्थ ना करें। जैसे कि रितु खंडूरी का नाम बताया गया, हालांकि वो 2017 में यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और जीतकर विधानसभा पहुंची थी, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई, उन्हें कोटद्वार भेजा गया। कोटद्वार वो विधानसभा सीट जिस सीट से उनके पिताजी यानी कि उस समय मुख्यमंत्री थे और अपना ही चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो सीट को जीतकर विधानसभा पहुंची है, जिस सीट पर बीजेपी के तमाम नेता ये आकलन कर रहे थे कि शायद ये सीट है तो कांग्रेस के पास जाएगी। तो वो चेहरा बीजेपी के पास जरूर है, महिला चेहरा है, कोई भी दाग उनके परिवार पर नहीं है, उन पर नहीं है, तो इस वजह से बीजेपी की एक तरफ से कहा जा सकता है कि वो भी एक चेहरा हो सकता है विधायकों के तौर पर अगर हम देखें। लेकिन इसमें 2 बड़े चेहरे गढ़वाल मंडल के ऐसे हैं पौड़ी जिले के, जिन चेहरों को लेकर अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चेहरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसमें से दोनों ही चेहरे पिछली बार भी मुख्यमंत्री की दौड़ पर सबसे आगे नजर आ रहे थे। सबसे पहला नाम है सतपाल महाराज, जिनका नाम पिछली बार भी मुख्यमंत्री के दौड़ में था और इस बार भी सबसे ऊपर नजर आ रहा है। उसकी मुख्य वजह यह है कि संघ में बेहद अच्छी उनकी पकड़ है और इस वजह से उनका नाम सबसे आगे। और दूसरा नाम है पौड़ी जनपद के श्रीनगर विधानसभा सीट से धन सिंह रावत, दोनों ही कैबिनेट मंत्री थे पुष्कर सिंह धामी की सरकार में और उससे पहले सबसे ऊपर मुख्यमंत्री की दौड़ पे भी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही
क्योंकि महिला चेहरा के तौर पर देख रहे हैं विधायकों में तो ऋतु खंडूरी को सबसे ऊपर लिया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार हाईकमान का उन पर्यवेक्षकों का है कि जो किस पर भरोसा और पर्यवेक्षक जो है हाईकमान जो है वही तय करेगा और हाईकमान क्या कुछ तय करेंगे ये आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। और लगातार आपकी नजर तो बनी ही हुई है सुभाष गौड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि आज आपको बता दें कि जब हमने कार्यक्रम को शुरू किया तो पुष्कर सिंह धामी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि वो खुद की सीट को रिटेन नहीं कर पाए। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो सीट्स चाहिए वो सारी सीटों को जीत लिया है और उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसी चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और साथ ही साथ ब्रेक की थी एक खबर हमने सबसे पहले, वो ये थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।